नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। कॉमनवेल्थ खेलों में पाकिस्तान के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सोनीपत के होनहार पहलवान नवीन का गांव रायपुर अखाड़े में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नवीन ने कुश्ती पहलवानों में पाकिस्तान के पहलवान को 9-0 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश व हरियाणा का नाम रोशन किया। देश के उभरते और होनहार खिलाड़ी ने बताया कि उन्होंने अपने कोच के दिशा निर्देशों पर काफी संघर्ष किया है और तब यह गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी वह धीरे धीरे सभी मुकाबलों को जीते हुए ओलंपिक में जाने का प्रयास करेगा और वहां से भी मेडल जीतकर नाम रोशन करेगा। वहीं उनके कोच ने भी बताया कि नवीन ने पिछले 3 सालों में काफी अच्छा कर दिखाया है। पुरखास गाँव के राजेश पहलवान ने भी बताया कि नवीन ने काफी संघर्ष कर यह मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। संपूर्ण ग्रामीण इसकी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कोच साहब क्या कहना चाहते हो, नवीन ने इतनी शक्ति ताकत से गोल्ड हासिल किया? हमें बहुत खुशी है नवीन का। मैं पिछले 7 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत कर देश का नाम रोशन किया। आगे अभी 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अभी 2 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसकी तैयारी में भी है। 2023 में एशियन गेम्स है और ओलंपिक क्वालिफाइंग के टूर्नामेंट है, तो हम पूरे जोर शोर से उन टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमने एक जैसे प्लान बनाया है ओलंपिक तक, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। नवीन जी क्या कहना चाहते हो, किन किन पहलवानों को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया? मैंने पहली कुश्ती में नाइजीरिया के पहलवान को रहा था और दूसरी में सिंगापुर के पहलवान को रहा, सेमीफाइनल में इंग्लैंड का, फाइनल पाकिस्तानी पहलवान को रहा। आगे की क्या तैयारियां करोगे? आई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेना और एशियन गेम्स आ रहे हैं अगले साल और क्वालिफाई ओलंपिक क्वालिफाई है 2023 में, उसमें क्वालिफाई करना 2024 के लिए ओलंपिक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश पहलवान। अच्छा, जिस तरह से आप सब ने स्वागत किया नवीन का, क्या कहना चाहते हो, कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से गोल्ड मेडल जीता? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हमारे एक छोटे भाई का नवीन का जो आया है, जिसने गांव कोटखला और कन्नौर का, जिला सोनीपत का, प्रदेश का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया है और कॉमनवेल्थ में जाके डंका बजाया और गोल्ड मेडल लेकर हिंदुस्तान के लिए आया। काफी खुश है, इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 2024 के ओलंपिक की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गोल्ड मेडल इस सोनीपत की धरती पर हमारा नवीन छोटा भाई लेकर आएगा और हमारी शुभकामनाएं एडवांस में इनके।